हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आज हम करंट अफेयर का आज से सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी का आज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर जेई के सारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, इसलिए हम करंट अफेयर का भी सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली आपको 10 क्वेश्चन डेली मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया। तो हाल ही में जो ये जनरल बिपिन रावत साहब थे, वो उनका देहांत हो गया और कल्याण सिंह को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत दिया गया। ये 73वें, ये कौन सा अवार्ड था। तो अवार्ड था आपका पद्म विभूषण से इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया, मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया। अब ये जो है, इसका जो स्थापना हुआ था पद्म विभूषण का, ये जो स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था, 1954 में। ठीक है, ये जो है, ये अवार्ड 3 तरह के अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण। तो इसको अगर सीरीज वाइज आप करो, तो पहले आएगा सीरीज में पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और पद्म श्री, ये 3 तरह के हैं। अब इसको सीरीज वाइज समझिए, देखो नाम के अनुसार ही ये तीनों अवार्ड भी है। देखो कि ये सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये तीनों अवार्ड हैं। तो इन्हें जो है मरणोपरांत दिया गया। अच्छा, ये है जो पद्म विभूषण की बात करूं, पद्म विभूषण ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए, असाधारण और विशिष्ट सेवा, विशिष्ट सेवा के लिए। दूसरा है आपका पद्म विभूषण, ये उच्च क्रम का विशिष्ट सेवा है, उच्च क्रम का विशिष्ट सेवा। और ये है प्रतिष्ठित सेवा। ठीक है, ठीक है। और इसमें देखो क्या है, ये तीनों अवार्ड के सेक्टर में दिए जाते हैं। तो इसको देखिए, ये है कला के क्षेत्र में जो पद, ये तीनों अवार्ड की बात करूं किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सभी सेक्टर में ये तीनों अवार्ड दिए जाते हैं। अब इनमें से जो बहुत अच्छा करता है उसको पद्म विभूषण दिया जाता है, उससे थोड़ा कम पद्म भूषण और उससे कम पद्मश्री। ये तीनों अवार्ड बहुत ही उच्च दर्जे का अवार्ड है। ठीक है, तो देखिए ये एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये कब दिया गया, तो ये आपको 26 जनवरी, 26 जनवरी को दिया गया, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया, तो ये आपका 25 जनवरी 1971 को ये अस्तित्व में आया। ये 18वें राज के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, अब ये देखो, ये जब राज्य का गठन हुआ तो उस समय तीन आयोग सामने आए। कौन कौन सा, एक होता है इसके धर आयोग, ये बना था 17 जून 1948 को। ठीक है, दूसरा जे भी पी आयोग, ये कब आया, ये 1948 में, ये भी 1948 में ही आया। अब दोनों का अलग अलग मापदंड था। इसके धर आयोग, ये इसके धर के अध्यक्षता में ये बनाया गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये आयोग का नाम गठन हुआ। ठीक है, ये बोला भौगोलिक, जो राज्य का गठन होता है भौगोलिक स्थिति के अनुसार उसे दर्शाया गया, जैसे भौगोलिक प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्य का गठन होगा, इस तरीके से ये उन्होंने बताया। अब देखो JBP, ये तीन अध्यक्ष, तीन तीन लोगों की टीम थी, तीन लोगों का ये मतलब, इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और एक पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों का ये एक ग्रुप था, इन्होंने बताया, इन्होंने जो भाषा के आधार पर सब अलग अलग हो रहे थे उस समय, तो उन्होंने उस चीज़ को मना किया कि उस आधार पर हम अलग राज्य नहीं बना सकते, उसे नकार दिया था। ठीक है, तो उनके अनुसार वित्तीय आत्मनिर्भरता विकास की क्षमता के आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया गया। एक और आता है 1958 में आया अफजल अली आयोग, एक और आयोग आया, कब आया, सॉरी 1953 में अफजल अली आयोग। ये तीनों आयोग आपको राज्य के पुनः गठन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक मुख्य सलाहकार किसे बनाया गया, तो भारत का जो आर्थिक मुख्य सलाहकार है वो अभी फिलहाल नियुक्त हुए हैं डीवी अनाथ नागेश्वरम।
नागेश्वरम को आर्थिक मुख्य सलाहकार बनाया गया। ठीक है, ये सचिव पद के बराबर होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत धार्मिक तीर्थ यात्रा पर बस 1974 से संयुक्त प्रोटोकॉल के उन्नयन पर कौन सा देश के साथ बातचीत में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और संगलन के लिए तैयार है? तो कौन है? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ये बात करने के लिए तैयार है। क्यों है? क्योंकि जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके बाद जो सिख धर्म का वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर है जिसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, वो कॉरिडोर कौन सा है? तो वो कॉरिडोर है करतारपुर साहब वाला कॉरिडोर, वो सिख धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए। तो कौन सा है? करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ये करीब 20 महीने बाद खुल रहा है। ठीक है, खुलने वाला है। और ये इसका जो लोकेशन है वो कहाँ है? इसका जो लोकेशन है वो नरपाल, ये आपका पंजाब प्रांत में पड़ता है। पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान नहीं है लेकिन पंजाब प्रांत के निकट है ये नरवाल जिला। पाकिस्तान नहीं पड़ता, ये कहाँ पड़ता? पाकिस्तान। अब देखो ये जो है करतारपुर साहब कॉरिडोर, ये जोड़ता है किसको? डेरा साहेब, डेरा नानक साहेब कॉरिडोर को जोड़ता है। देखो इसका जो स्थापना हुआ था करतारपुर साहब, इसका जो हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ था 19, इसका जो स्थापना हुआ था 2019 में हुआ था, 12 नवंबर। स्थापना कब हुआ था? 12 नवंबर 2019 में हुआ था। ठीक है, ये सिख धर्म गुरु नानक जी के क्या है कि गुरु नानक जी के 525वीं बसगाठ पे हुआ था। कौन सा? गुरु नानक जी का 550वीं जयंती समारोह पर। अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कस्टम डे, अंतर्राष्ट्रीय कस्टम डे कब मनाया गया? तो ये है आपका 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कस्टम डे मनाया गया। जो थीम था इस बार का, जो थीम था डेटा, डेटा परिस्थिति, जो डेटा परिस्थिति है उसको अपनाकर, को अपनाकर डिजिटल, डिजिटल में बदलना, डिजिटल में बदलना। ठीक है, और इसका जो देखो ये है आपका शुरुआत कब हुआ था? ये शुरुआत हुआ था जो कस्टम दिवस है, कस्टम दिवस है कब शुरू हुआ था? इसका जो शुरुआत हुआ था 1953 में बेल्जियम के, बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर से हुआ था, ब्रुसेल्स शहर से हुआ था। ओके, इसका जो नाम है 1994 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जो इसका नाम कर दिया गया विश्व सीमा शुल्क संगठन। ठीक है, और इस ये एक अंतर, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय आपका स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, क्वेश्चन है विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? तो कुष्ठ दिवस, अगला जो क्वेश्चन है विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 जनवरी को। इसका जो थीम था, थीम क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और इसका शुरुआत कब हुआ? इसका शुरुआत हुआ 1954 में, 1954 में इसका शुरुआत हुआ था। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था राउल फोनेरो ने इसका शुरुआत किया था। अच्छा, ये कुष्ठ है, जो कुष्ठ रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? ये कुष्ठ रोग जो है आपको माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरिया लेपी, लेपी के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? चर्म रोग होता है, जो भी चमड़े पे घाव हो जाता है, उंगलियों के बीच में घाव हो जाता है, ये सब चीज़ें होती है। और इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है, क्रोनिक के नाम से भी जाना जाता है, क्रोनिक डिजीज के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि जो माइक्रोबैक्टीरिया को खोज किया था, ये इसका जो खोज किया था माइक्रोबैक्टीरिया का, तो वो थे डॉक्टर आर्मोर हेसेंस। कौन खोज किए थे? तो डॉक्टर आर्मोर हेसेंस, इसलिए इसे हेसेंस, हेसेंस डिजीज भी कहा जाता है। और ठीक है, और इसे एक नाम और क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज भी कहा जाता है। इसका जो इलाज है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हेलो गाइस, तो अगला क्वेश्चन है निपर यानी NIPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया मनसुख मानविया साहब ने किया, मनसुख मानविया। ये कौन है? ये केंद्रीय रसायन रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं, उर्वरक मंत्री हैं। ठीक है, अच्छा निपर का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च होता है। ठीक है, अब देखो जो निपर है, निपर का उद्देश्य क्या है? तो निपर में इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य जो है, जो भी आपका जो भी अभी कार्य जो चल रहा है, जो भी कार्य चल रहा है, चल रहे कार्यों का उपलब्धता को प्रमाणित करना है, कार्यों का
प्रमाणित करना, मतलब इसका मतलब ये हुआ जो भी आपका रिसर्च अभी चल रहा है उसको प्रमाणित करना, ये निकल कर है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, इसका जो खिताब है तो ये किसने जीता, तो इसका जो खिताब है एबले वार्टी ने जीता, एबले वार्टी ये ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, ठीक है। और ये पहली बार जीते हैं, ये फर्स्ट बार जीते हैं फर्स्ट, तो ये हराए किसको है, किनको हरा के जीते हैं, हराया किनको है, तो हराया है इन्होंने डेनियल कॉलिंस, ठीक है, डेलियन कॉलिंस। अब देखो ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात आई है तो चार ग्रैंड स्लैम होते, कितने, चार ग्रैंड स्लैम होते, तो कौन कौन सा होता है, अफवाह, इसका शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा अफवाह। अब ए स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू विंबलडन, और ए अमेरिका या यूएस ओपन, ठीक है। ये चार ग्रैंड स्लैम होता है। अब देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये कब शुरू किया गया, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 ईस्वी से लेकर 87 तक ग्रास कोर्ट पे खेला जाता था, मतलब घास वाले मैदान पे खेला जाता था, लेकिन 88 से ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाने लगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा लघु फिल्म पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया, ये तेलुगु फिल्म है, कौन सा, स्ट्रीट स्टूडेंट, कौन सा तेलुगु फिल्म, इसमें एक बच्चे की कहानी दिखाई गई है वो कैसे जीवन में संघर्ष करके अभी अपने सभी राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो भी है उपयोग करके अपना हक प्राप्त करता है, ठीक है। इसमें इसे दो लाख का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2022 तक विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ये अभी तक जो सबसे बड़ा अभी उत्पादक देश है अभी चीन है, कौन है, चीन है, भारत इसमें सेकंड नंबर पे है। फिलहाल आज के करंट अफेयर में इतना ही, और अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, और आज बजट भी पेश हुआ है, तो अगला हो सकता है अगला जो सेशन होगा बजट पे होगा। थैंक यू।